हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस की गई हैं, तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल और जो कुमाऊं मंडल है वहाँ पर वैकेंसीज अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग विषय के लिए जारी की गई है। तो विज्ञापन जो है वो 14 मार्च को प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगा वो 22 मार्च को होगा और जो आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी, वो रहेगी 12 अप्रैल। इसके साथ ही आप 16 से 18 अप्रैल तक जो करेक्शन विंडो है वो आपकी ओपन रहेगी। तो 16 से 18 अप्रैल में आप जो अपने फॉर्म में कोई अगर आपको करेक्शन करना है, संशोधन करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी भी दिया गया है, डेट दी गई है। तो जुलाई में, डेट फिक्स नहीं है लेकिन आपका मंथ फिक्स है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल है वहाँ पर टोटल आपके 1544 पदों पर जो फॉर्म है वो निकाले गए हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करके आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी बस यही जानकारी है और जितनी भी पूरा डिटेल में जानकारी है तो वो जब हम फॉर्म स्टार्ट होंगे यानी कि 22 मार्च को, तब हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस हमारे सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी है। और यहाँ पर फाइन आर्ट की भी वैकेंसी है, तो यहाँ पर दोनों ही मंडलों में अलग अलग जो है वो वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है। तो जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से मंडल में कितनी वैकेंसीज हैं, और मंडल में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से फाइन आर्ट की भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, दोनों ही मंडलों में वैकेंसीज हैं फाइन आर्ट की। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अगर कोई फाइन आर्ट के अलावा किसी सब्जेक्ट से हैं तो, ठीक है। उसके बाद जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो हम पूरा जो एज क्राइटेरिया है, जो सिलेबस है, वो सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो फाइन आर्ट है उनको जो है बीएफए की डिग्री यहाँ पर होना कंपलसरी है, बीएफए वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस बाकी चीज़ें जो हैं वो आप लोग जब भी फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे तब हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तब तक आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।